चावल का पापड़ तो आप बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन इस विधि से आप बनाएंगे तो झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ पर चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, तो चावल से बहुत सारी वैरायटी बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं चावल का पापड़ बनाई हूँ, तो आप भी बनाइए इस रेसिपी को। जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल अपनी किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कटोरी चावल ले ली हूँ। मैं यहाँ पर नया चावल ली हूँ, जो सीज़न में नया आता है दीपावली के बाद, वो चावल ली हूँ। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। अब इस चावल को अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए, इसे मैं अच्छे से धो ली हूँ। अब जितना चावल है उससे डबल हम पानी डाल देंगे। तो इसमें पानी डाल दी हूँ और इसे हम रात भर भीगने के लिए रख देंगे, या तो आप 2 से 3 घंटे भी भिगा कर रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रात भर भीग चुका है और साइज़ में डबल हो गया है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से भीग चुका है। अब हम एक कुकर में 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाए उसके बाद हम भीगा हुआ चावल डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी चावल ली थी, तो 3 कटोरी पानी डालूँगी। ये 1, ये 2 और ये 3 कटोरी पानी डाल देंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 3 सीटी होने तक इसे पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 सीटी हो चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम खोलेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम लिड को खोल लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा पक चुका है। अब इसे हम अच्छे से घोट लेंगे। आपके पास मैश करने के लिए जो भी चीज़ हो उसे आप मैश कर सकते हैं, या तो आप मिक्सी से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से पक चुका था, तो ये बहुत ही अच्छे से मैश हो चुका है। ये देखिए, अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं, इसे अच्छे से गूंथ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ हाथों में और इसे थोड़ा सा ऐसे गूंथ ली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर मैं एक पॉलीथीन ले ली हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लूँगी ताकि पापड़ चिपके ना। ये देखिए, मैं अच्छे से तेल लगा ली हूँ। अब एक छोटा सा पॉलीथीन ली हूँ जो बहुत मोटा है, तो उसमें थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ। अब चावल का छोटा सा डो लेंगे, अब मोटे वाले पॉलीथीन के नीचे ऐसे रख देंगे और हाथों से दबा देंगे। उसके बाद एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर ऐसे प्रेस करते हुए इसे दबा देंगे। तो ये देखिए, ये पापड़ बन चुका है। आप मोटा या पतला कैसे भी बना सकते हैं, तो मैं बहुत ही पतला बनाई हूँ। ये देखिए कितना पतला है। अब इसी प्रकार मैं लोई लूँगी और मोटे वाले पॉलीथीन के नीचे रखूँगी और ऐसे हथेली से प्रेस कर लूँगी और एक प्लेट से भी ऐसे प्रेस कर लूँगी। उसके बाद ये बन जाएगा बिल्कुल पापड़ का शेप। तो है ना बहुत ही ईजी। आप जितना छोटा पापड़ बनाएंगे तो तलने के लिए तेल भी उतना ही कम लगेगा। तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा पापड़ बनाई हूँ। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा पापड़ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं बहुत ही पतला पतला पापड़ बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो सभी को ऐसे ही पापड़ बनाकर तैयार कर लेना है। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही सभी पापड़ को बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे शाम को ही बनाई हूँ। शाम को पंखे के नीचे अच्छे से इसे सुखा ली हूँ और दूसरे दिन इसे धूप में सुखा लूँगी। अब मैं ये देखिए, दूसरे दिन मैं अच्छे से इसे धूप दिखा दी थी, ये अच्छे से सूख चुका है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा पापड़ बनकर तैयार है। अब मैं इसे आपको तल कर दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। पापड़ को तलने के लिए यहाँ पर तेल को गर्म कर ली हूँ। अब हम पापड़ को डाल देंगे। ये देखिए, साइज़ में बिल्कुल बड़ा हो चुका है। तो ये देखिए, हमारा पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए,
है ना बहुत ही क्रंची, ये देखिए, और साइज़ भी बिल्कुल डबल, ये देखिए। छत्तीसगढ़ में खाने के साथ इस चावल के पापड़ को इंजॉय करते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।